सो गाइस तो यहाँ पे चल रही है चेकिंग, आप देख सकते हैं वीडियो भी शूट हो रही है एंड फॉरेस्ट वाले खड़े हैं तो वहाँ कट्टे रखे हैं उनने गाड़ी पे, सो काफी सारे, तो वो चीज वो दिखा रहे हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। तो कैसे आप सभी, आई होप सभी बढ़िया होंगे एंड मजे में होंगे। सो मैं हूँ अभी घर पे, अभी हो गई है इवनिंग। सो इवनिंग इसलिए हो गई क्योंकि आज मॉर्निंग से मैंने आपका वीडियो पोस्ट वगैरह करी, उसके बाद था आज बगल में एक भाई है मेरा तो उसके पापा एक्सपायर हुए थे, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था ब्लॉग में भी आता था मेरे साथ साइकिल राइड पे, सो उससे बट वहाँ से मैं अभी थोड़ी देर पहले आया हूँ। सो मैंने कहा यार अब ब्लॉग भी शूट करना ज़रूरी है क्योंकि इसके ये बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैंने कहा डेली ब्लॉग डाल लें तो शूट करना भी ज़रूरी बनता है, तो मैं अब इसलिए शूट कर रहा हूँ। बट मैं हूँ अभी घर पर और मेरा मार्केट को ही प्लान है अभी जाने का, क्योंकि मार्केट में थोड़ा सा मेरी गाड़ी का जो टायर है वो हिल रहा है तो मैं उसको दिखा लूँगा मैकेनिक को एंड वहीं से देखते। एक भाई और है मार्केट पर रहता है चिकुनिया पे, सो वो भी मेरे साथ आएगा शायद, तो देखेंगे कुछ ऊपर होगा नया आप लोगों को दिखाने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग बने रहना, अपना प्यार बनाए रखना, तो हम चलते हैं। तो गाइस तो मैं आ गया अपने घर के बाहर से और मेरा प्लान है जो मार्केट को जाने का बन रहा है। सो अभी शाम हो रही है तो सभी लोग बाहर से बैठे हैं, दादाजी और दादी भी बैठी है यहाँ पे एंड यहाँ मेरी खाली साइकिल खड़ी है और यहाँ है कार। तो अभी मौसम है जो धूप भी चले गई है क्योंकि गाड़ों के दिन आजकल जल्दी चले जाती है। और मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाता हूँ, मेरा फ्लैग है जो मैंने छत पर लगाया था अपने, आप लोगों को दिखाता हूँ, कल लगाया था बट अभी मैं आपको उसकी वीडियो दिखाता हूँ बैक कैमरे से ऑन करके कि बहुत मस्त लग रहा है। तो मैं आ गया हूँ अपनी गाड़ी पे एंड अब निकल रहे हैं हम मार्केट की तरफ को, क्योंकि बाहर जो है ना अंधेरा हो जाएगा थोड़ा देर में, तो हमारे पास थोड़ा सा ही टाइम बचा है ब्लॉग शूट करने का, तो चलते हैं फटाफट से मार्केट को क्योंकि लेट हो जाएगी तो फिर ब्लॉग शूट हो नहीं पाता है, क्योंकि अंधेरे पे होता है ना कि कैमरा जज नहीं कर पाता अच्छे से फोटो को एंड लोकेशन को, कुछ भी नहीं कर पाता है। सो तो चलते हैं हम फटाफट से बिना देर किए। तो गाइस तो मैं आ गया हूँ आपका चौराहे पे पहुँचने वाला हूँ, तो यहाँ पे से जो है कटघरा चला थोड़ा सा ही है बट यहाँ जो है बगल में आप खेत देख रहे हैं यहाँ है टाइगर, सो उस टाइगर का कुछ पता नहीं है अभी, आज गन्ने का जो खेत है उसको भी काट रहे हैं तो उसी के बाद चलेगा क्लियर कि क्या सीन है। और हम आपका कटघरा चौराहे पहुँचने वाले हैं, तो यहाँ से थोड़ा ही कटघरा चौराहे तो चल रहे हैं फटाफट से मार्केट, उसके बाद वहाँ से देख पाते हैं थोड़ा सा फाड़ गया टायर क्योंकि जो है ज़्यादा दिक्कत कर रहा है, उसी के बाद पता चलेगा कि वहाँ से कहाँ पर जाते हैं। यहाँ पे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना अच्छा चौराहा जो है सजा दिया है बट काफ़ी अच्छा लग रहा है एंड मैं कर रहा हूँ भाई का वेट जो यहीं पे आएगा, तो मैं हूँ अपनी गाड़ी पे तो मैं लगा लेता हूँ पार्क के साइड पे क्योंकि वो बताएं कि देर में आएगा। बट ये ना बहुत ऑसम लग रहा है, आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा। सो गाइज तो मैं कर रहा हूँ भाई का वेट एंड मैं हूँ तिकुना चौराहे पे, तो मैंने यहीं पर गाड़ी साइड पर जो आपका पार्किंग है उसने पार्किंग पर अपनी पार्क करी है। बट भाई आ रहा है अपने घर से, कैसा आ रहा हूँ, मैंने कहा चौराहे पे आ जा भाई क्योंकि गली है छोटी वहाँ पे तो वहाँ गाड़ी जा नहीं पाती है इसलिए दिक्कत हो जाती है, तो इस वजह से मैंने कोई बात नहीं भाई यहीं पे आ जाएगा बट यहीं से फिर देखते हैं। यार मैंने तो अभी गाड़ी का वो भी सही नहीं करवाया तो देखता हूँ अंधेरा भी हो गया है तो वो सही करवाएं या ऊपर को आपको व्यू दिखाने जाएं बढ़िया सा घूमने चलें, देखते हैं क्या होता है, एक ही काम हो पाएगा क्योंकि टाइम ज़्यादा बचा नहीं है हमारे पास। सो जो भी है भाई आता है फिर देखते हैं, भाई जो भी कहेगा वैसा कर लेंगे, गाड़ी नहीं तो कल दिखा लेंगे, आज आपको ऊपर ही को चलते हैं वर्कशॉप लाइन पे, तो आगे है उसकी शॉप तो आप एक बार इसको चेक करवा देते हैं सॉफ्टवेयर को इसके, ये सॉफ्टवेयर से डाउट लग रहा है बट पता नहीं देखो क्या होता है, ये भाई चेक करवाते हैं ताकि जाके पता चले क्या हो रहा है। सो गाइज तो हम आ गए हैं तिकुनिया पे, भाई आ गया है, मैं चले गया था आपका गाड़ी का सॉकर दिखवाने बट वो ओके है, तो बोला था कोई प्रॉब्लम नहीं है तो भाई तब तक आया नहीं था, पता नहीं आ रहा हूँ ही क्या था उस टाइम से बट पहुँचा नहीं था, बहुत देर बाद आया तो मेरे वापस आने के बाद आया है इतने लेट, सो मैं सॉकर भी दिखा के लेके आ गया हूँ बट गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो चलते हैं हम ऊपर को कारडूगाम साइड को, तो वहाँ देखते हैं
कहाँ जाएंगे गाड़ूधाम से कुछ पता नहीं है अभी। देखो तो भाई गड़ाखान गैराज, चलो वहीं चलते हैं आज, क्योंकि ऊपर नैनीताल रोड में, भीमताल रोड में हम चले गए हैं बहुत बार, बट आज वहीं चलते हैं। तो चलते हैं क्योंकि लेट करेंगे तो फिर आप व्यू देख नहीं पाएंगे, तो हम चलते हैं। सो गाइस, तो हम आ गए हैं आपका, अभी हेड इन से ऊपर को आ गए हैं और यहाँ से काठगोदाम एरिया है जो स्टार्ट हो जाता है। तो अभी हम जाएंगे आपका पुल पार करके काठगोदाम से हेड़ाखान वाले रोड पे। तो काफी टाइम बाद गए हैं, और बट बात ऐसी है कि होगी शाम और वहाँ जानवर जो आजकल आतंक बहुत चल रहा है, तो मुझे उस चीज़ की बहुत डर है कि हाँ भाई ये शाम के टाइम पे कोई जानवर ना आए और हमारे भाई को उठा के ना ले जाए। इकलौता है, गला पकड़ देगा जानवर का भाई। भाई कह रहा हूँ गला पकड़ दूंगा, लेकिन वो इसका गला पकड़ेगा उल्टा होगा वहाँ पे, मुझे यकीन है अपने ऊपर। तो गाइस, तो हम पहुँच गए हैं आपका ज्वाला की जो पुल है, एंड आप देखिए यहाँ पे भी पूरा का पूरा, और ये भाई लोग हैं जो आप देख रहे हैं यार, ये दौड़ लगा के एंड पुल है जो काफ़ी बड़ी है। तो आगे सारा ट्रक, तो रोड। सो गाइस, तो यहाँ पे चल रही है चेकिंग, आप देख सकते हैं वीडियो भी शूट हो रही है, एंड फॉरेस्ट वाले खड़े हैं तो वहाँ कट्टे रखे हैं उनने गाड़ी पे, तो काफ़ी सारे, तो वो चीज़ वो दिखा रहे हैं। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं पीछे भी हमारी बहुत गाड़ियाँ खड़ी हैं, तो इस वजह से पूरी गाड़ी की चेकिंग हो रही है, एंड ये वीडियो बन रही है कि अगर कोई भी दिक्कत हो तो कल के दिन ये गाड़ियों को नंबर चेक होगा। सो हम चलते हैं अब आगे की तरफ। आपका हम आ गए हैं वापस ऊपर को, सो वहाँ पे फॉर्मेलिटीज़ उनने करनी थी अपनी, जो पूरी वो कर ली, गाड़ी चेक हुई, उसके बाद हम आ गए हैं। बट यहाँ से काफ़ी अच्छा मौसम हो रहा है, तो व्यू भी काफ़ी अच्छा आ रहा है। मैं आप लोगों को वहाँ से हल्द्वानी दिखाऊंगा, नीचे का हल्द्वानी का इतना मस्त व्यू आता है ना, ओवरऑल बहुत मस्त लगता है वहाँ से हल्द्वानी। तो हम पहुँचने वाले हैं, बट यहाँ तो रोड भी एकदम ऐसी है, खड़ी चढ़ाई है रोड पे, तो मैं अभी आपको आगे से दिखाऊंगा। और जंगल है जो ना, ये बहुत गहरा जंगल है, बट यहाँ घर वर कुछ नहीं है, कहीं पर कहीं भी पड़ते हैं घर। आ गए अभी आपका, कहाँ पे आ गए? हम आ गए हेड़ाखान से ऊपर, हम काफी ऊपर आ गए इस रोड पे, बट ऐसा हमें अभी यहाँ से एक ऐसा कोई पॉइंट मिला ही नहीं, बट यहाँ से हमें ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे है, तो हम स्टॉप कर ली हमने गाड़ी, बट रोकी तो यहाँ पे ऐसा कुछ था ही नहीं चारों तरफ से। अब मैं आपको दिखाऊँ, ऐसा है पीछे तो पूरा दीवार है, बट वहाँ है जो पूरी झाड़ियाँ, पूरे जंगल ही जंगल है, वहाँ से कुछ दिखेगा नहीं नीचे हल्द्वानी, और यहाँ भाई और यहाँ भाई गाड़ी। सो वहाँ भी अगर आप देख सकते हैं पीछे, वहाँ से भी कुछ नहीं दिख रहा है, और ठंडा हो रहा है जो ना, लिटरली काफी ठंडी हवा चल रही है, बता नहीं सकता आप लोगों को एकदम से, अभी जानवर भी बहुत ज्यादा, तो जानवर तो आ सकते हैं, ऐसा क्या कर सकते हैं, जानवर आएंगे, इतना रिस्क आप लोगों के लिए ले रहे हैं हम, बट कोई बात नहीं, आप लोग मत लेना इतना रिस्क, आप इंजॉय करना। तो चलते हैं ऊपर को, देखते हैं कहीं पे पॉइंट दिखता है तो उस पॉइंट से आप लोगों को हल्द्वानी दिखाएंगे, एंड ओवरऑल वहीं पे तक ही जाएंगे हम, और वहां से फिर वापस आ जाएंगे। मस्त सा जो है श्लोक लिखा हुआ है, पहाड़ घुमड़ जरूर आया, कुड़ का भाड़ जन फैलाया। सो इनका मतलब है कि पहाड़ घूमने जरूर आना, बट यहाँ आपका कूड़ा मत फैलाना। सो काफी अच्छा है पहाड़, तो आप लोग भी आइए और यहाँ कूड़ा मत फैलाइए। पहाड़ सामने, ये मेरे आगे से ही है, बैठे काफी दूर होगा तो लग ऐसा रहा है, बट है नहीं है, और यहाँ को काफ़ी ज़्यादा हॉल आ गया है, तो आप देख सकते हैं, और भाई वहाँ चले गया है, एंड यहाँ हमारी कार खड़ी है। सो आप देख सकते हैं यहाँ से काफ़ी मस्त मौसम आ रहा है, बहुत बढ़िया। तो गाइस, तो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, एंड वहाँ पे मेरी गाड़ी खड़ी है, और भाई उतनी दूर चले गया यहाँ से, देख रहे हो इतना सा दिख रहा है, और मैं खड़ा हूँ डिवाइडर के ऊपर। सो डिवाइडर तो अभी गिर गया था, आप देख सकते हैं इनके ऊपर खड़ा था मैं, बट गिरते गिरते बचा, भाई वहाँ से ना इतो सा दिख रहा है, सिर्फ इतो सा, क्योंकि काफ़ी दूर चले गया पैदल पैदल ही हो, तो इसलिए यहाँ से बहुत छोटा दिख रहा है, एंड ओवरऑल काफ़ी मस्त लग रहा है यहाँ का मौसम, काफ़ी ज़्यादा
और यहाँ से जो हल्द्वानी दिख रहा है ना लिटरली बहुत मस्त दिख रहा है। आप लोगों को अगर दिख रहा होगा अभी फ्रंट कैमरे से, बट बैक कैमरे से आपने देखा, जूम करके दिखाया था मैंने, बट काफ़ी दूर है तो यहाँ से इतना क्लियर दिख नहीं पाएगा। फ्रंट से घूमने वाले भी आ रहे हैं पैदल, तो हम यहाँ से अभी निकलेंगे वापस, क्योंकि बात ऐसी है हम ज़्यादा ऊपर जाएंगे नहीं क्योंकि ऊपर जाके ज़्यादा फ़ायदा नहीं है एंड अंधेरा हो चुका है, तो यहीं पे तक हम रहेंगे, यहाँ से जाएंगे वापस। तो आप यहाँ से देखिए गाड़ियाँ भी काफ़ी चल रही है, नीचे से आ गई है एक पिकअप एंड यहाँ से जो है मिट्टी पूरी की पूरी नीचे आई हुई है गिरी। तो अभी हम चलते हैं वापस, भाई को बुलाता हूँ तो उसके बाद वापस निकलते हैं, तो वहाँ से देखेंगे जी जो भी सीन होगा। गाइस तो आप देख सकते हैं यहाँ से हल्द्वानी बहुत मस्त दिख रहा है, जो आपकी लाइटें दिख रही हैं आपको छोटी छोटी सी, से सारा का सारा हल्द्वानी है, इन घरों में लाइट जल रही है वो दिख रही है साइड से, तो यहाँ से लिटरली बहुत मस्त व्यू आ रहा है। हम तो अभी हेड़कान वाली रोड पे हैं और अंधेरा भी हो गया, तो अंधेरे में अभी जली है वहाँ लाइट, सो इस टाइम पर बहुत मस्त व्यू आ रहा है। आप देख सकते हैं चारों तरफ हॉल ही हॉल है। से एंड यहाँ से भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ हल्द्वानी, यहाँ से बढ़िया सा दिख रहा है, तो मैं गाड़ी के अंदर ही दिखाता हूँ, बाहर तो जाऊँगा नहीं। बट आप देखिए यहाँ से काफ़ी मस्त लग रहा है हल्द्वानी, क्योंकि वहाँ नीचे जो लाइटें हैं सो वो सब हल्द्वानी की हैं। तो चलते हैं हम भी हल्द्वानी ही जा रहे हैं। तो गाइस तो हम भाई के गेट पे पहुंच गए हैं एंड अब यहाँ से भाई जाएगा अपने घर को, तो मैं जाऊँगा क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया एंड मुझे तो आज बहुत थकान हो रही है, तो मुझे तो नींद आने लग गई अभी से ही। तो भाई कह रहा था मैं घर को जा रहा हूँ क्योंकि टाइम हो गया 7:30, तो भाई के घर से भी फ़ोन आने लग जाएंगे थोड़ा देर बाद, वरना आज आए नहीं है, बट डेली फ़ोन आ जाते हैं वरना इसके घर से फोन टू फोन, बट आज नहीं आएंगे कह रहा है कुछ, इसलिए अब से नहीं आएंगे, इसने वहाँ दवाई खिला दिया था घर वालों को कुछ, सो इसी वजह से नहीं आएंगे ऐसा कह रहा है। तो चलो जो भी है, तो यहाँ से भाई अपने घर को जाएगा और मैं जाऊँगा अपने घर को, तो मिलेंगे फिर आपको वहीं घर पे, सो चलो चलते हैं, बाय बाय। ओके ओके, वीडियो सब्सक्राइब कर, लाइक करें और खूब कमेंट शेयर सब करते हैं, ठीक है फिर चल रहा हूँ मैं, ठीक है। सो भाई है जो ना मस्त है लौंडा अपना, ये अपना, तो चलते हैं हम अपने घर की तरफ को, क्योंकि हो रही है लेट एंड फिर लेट हो जाएगी तो फिर हो जाएगी दिक्कत, क्योंकि टाइम से चलते नींद आ रही है ना, इसलिए दिक्कत हो जाएगी, वैसे भी दिक्कत नहीं है। सो गाइस तो मैंने अभी फ्यूल स्टेशन से पीछे फ्यूल डलवाया अपनी गाड़ी पे एंड फ्यूल जो हो गया था लो हो गया था, तो मैंने डलवा दिया है और हम चलते हैं घर की तरफ को, क्योंकि काफ़ी लेट हो गई और थकान बहुत ज़्यादा हो रही है आज, तो मैं सीधा घर ही जाऊँगा, कहीं नहीं जाता हूँ, सो घर की तरफ चलते हैं। सो गाइस तो आप देख सकते हैं आधी टैंकी फ्यूल हो चुका है, सो चलते हैं अब हम घर की तरफ, तो क्योंकि फ्यूल था जो पूरा का पूरा लो हो गया था एंड ये इसलिए मुझे चलाना पड़ा, तो चलते हैं अब घर की तरफ, फिर वहाँ से देखेंगे क्योंकि नीचे आ रहा है शेर, तो इस वजह से अभी तो वहाँ काट देते थे जंगल वगैरह, फिर पता नहीं क्या हुआ सीन। सो गाइस तो फाइनली मैं अपने घर पहुँच चुका हूँ एंड बाहर से खड़ा है भाई, तो गाड़ी में बट 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 कर रहा है, देखिए तो कह रहा है बाहर आओ जल्दी से, सो मैं चलता हूँ बाहर की तरफ क्योंकि काफ़ी थकान भी हो रही है एंड गाड़ी तो मैंने कर दिया लॉक, तो चलते हैं बाहर, और ये बुला रहा है तो इससे ही मिल लेते हैं पहले, ये देखिए भाई वो खड़ा है गेट पे, और ये खड़ा है हमारा भैया, आप देख सकते हैं, हेलो कर दो सबको, नहीं नहीं करोगे तो ये किसी को हेलो नहीं करने वाला है, ये है गुस्से में क्योंकि मैं वहाँ से नीचे आ गया इसलिए गुस्सा हो गया, चलते हैं हम बाहर को, मैं इसको गाड़ी की चाबी देके खुश कर देता हूँ, ले गाड़ी की चाबी लॉक कर दो, चलो लॉक करो,
सो गाइस, तो भाई ने गाड़ी कर दिया लॉक और मैंने इससे ले लिए की, क्योंकि ये फिर खचर वचर करते रहेगा, इसलिए तो खड़ा पीछे चल आ जा, वहाँ चल रहा अंदर। नहीं आ रहा मेरे साथ, नहीं आ रहा मेरे साथ, नहीं आ रहा मेरे साथ। तो गाइस, तो मैं आ गया हूँ रूम पे दादाजी लोगों के, एंड दादाजी लोग बैठे यहीं अपने रूम पे, यहाँ दादी बैठी है और वहाँ बैठे हैं दादाजी। सो काफ़ी अंधेरा हो रहा है रूम पे, तो इसलिए क्लियर नहीं आ रही वीडियो, अंधेरा भी काफ़ी ज़्यादा हो गया। तो चलते हैं अब अपने रूम पे, कपड़े वपड़े चेंज कर लेते हैं, एंड उसके बाद जाना है हमें, उसके बाद जाना है हमें बगल पे भाई के वहाँ। तो आज डिनर भी हुई है ऐसा बता रहे हैं घर वाले, क्योंकि मुझे ऐसा कुछ पता तो है नहीं। सो जो भी है, मौसम हो रहा है काफ़ी मस्त, उनसे बढ़िया, और आप देख सकते हैं बिल्कुल भी आज कोहरा नहीं है बिल्कुल भी। सो आज वहीं डिनर है तो वहीं चलेंगे। अभी मैं कपड़े चेंज, फिर उसके बाद जाएंगे। भाई का फ़ोन आया था, भाई कह रहा था बगल में है एक भाई, तो बोल रहा था कि चलेंगे। मैंने कहा ठीक है, फ़ोन कर देना मुझे जैसा भी होगा, बट मौसम है ना काफ़ी अच्छा लग रहा है। मैं आप लोगों को एक बार बैक कैमरे से ओवर व्यू फुल दिखाता हूँ कि सो गाइस, तो आप देख सकते हैं मौसम है जो ना काफ़ी मस्त लग रहा है एकदम से। आज तो बहुत दिनों बाद ऐसा मौसम देखने को मिल रहा है, बट वहाँ ऊपर साइड नहीं था और हमारे वहाँ तो हरे भरे से पेड़ हैं, तो ये काफ़ी अच्छे लगते हैं। सो यहाँ हमारी खड़ी है गाड़ी और बाइक तो भाई ले गया है। मौसम है जो एकदम खिल जा रहा है, देखिए यहाँ पूरा का पूरा मौसम है जो खिल जा रहा है। यहाँ जला बल्ब, सो ये कर रहा है, इफेक्ट दे रहा है कैमरे पर। तो जो भी है, चलते हैं अंदर, कपड़े चेंज कर लेते हैं हम। सो गाइस, तो फाइनली मैं अपने रूम पे आ चुका हूँ, एंड डिनर हमारा हो गया है, क्योंकि वो था आज भाई के वहाँ बगल में, जो आप लोगों ने देखा होगा राइट पे आता था मेरे साथ, आज वहीं था डिनर, तो वहीं जाके किया, तो इसलिए उसका वीडियो शूट भी नहीं हुआ है, तो आप लोग वो भी नहीं देख पाएंगे, मिस हो गया समझ लीजिए। बट मैं आ गया अपने रूम पे, और बाहर से जो ना लिटरली बहुत ज़्यादा कोहरा आ गया है, बहुत भयंकर वाला, आमने सामने नहीं दिख रहा, मतलब एक मीटर के रेंज पे कुछ नहीं दिख पा रहा है, इतना बिकट बाहर से आपका कोहरा आ गया है। सो मैं तो आ गया अपने रूम पे, एंड हीटर जला के अभी कुछ वर्क कर रहा हूँ, वीडियो एडिट करनी है वो चीज़ कर रहा हूँ मैं, बट मैंने कहा वीडियो एंड कर लेते हैं, तो वीडियो एंड करते हैं यहीं। जिसने भी हमारे चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल सब्सक्राइब कर लें, एंड लाइक करें, शेयर करें, अपनी फैमिली मेम्बर्स पे करवाएं, 1K करवाओ जल्दी से, बार बार कह रहा हूँ अपने छोटे भाई का चैनल 1K करवाइए फटाफट से। तो मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में, आज के ब्लॉग में, बाय बाय।